हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम HPSSSC JEE सिविल 2018 का एग्ज़ाम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अभी 18 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। इसका पार्ट ए हमने पहले अपलोड कर दिया है, ये पार्ट टू है। पार्ट ए में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस किया था, तो हम 17 से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में 17 क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉयल सैम्पल विथ कोहेजन इक्वल्स टू 60 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 45 डिग्रीज एंड नॉर्मल स्ट्रेस ऑन सॉयल इज 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी ए ऑप्शन 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी 110 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी 1.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी इज 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? शेयर स्ट्रेंथ हमें पता है S इक्वल्स टू, हमें एक फॉर्मूला पता है क्या कि S इक्वल्स टू सिग्मा टैन ऑफ फाई, सिग्मा टैन फाई प्लस C। ओके, देखो इसमें क्या है, सिग्मा हमें दे रखा है कितना, नॉर्मल स्ट्रेस है 50, टेन 45 इज़ नथिंग बट 1, प्लस सी हमें दे रखा है कितना 60। ओके, तो 60 प्लस 50 इज़ नथिंग बट 110 डिग्रीज, 110 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज़ 110 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेयरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज़ 162 डिग्रीज 30 मिनट एंड द एंगल ए बी सी इज 115 डिग्रीज 15 मिनट, द बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी विल बी। ओके, अगेन हमें फॉर्मूला पता है क्या, इंक्लूडेड एंगल का, इंक्लूडेड एंगल इधर कौन सा होगा, बी, एंगल बी। ओके, एंगल बी क्या होगा, एफ बी ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैकवर्ड बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, ये हमें इंक्लूडेड एंगल का फॉर्मूला पता है। डन, अब हमें देखो इसमें क्या दे रखा है, निकालना क्या है हमें, द बियरिंग ऑफ लाइन बी सी, ठीक है, कोई ट्रैवर्स हुआ है ए टू बी और बी टू सी, इंक्लूडेड एंगल किस पे है, बी पे है, कोई ट्रैवर्स अगर मान लो ये हुआ है ए टू बी और बी टू सी, इंक्लूडेड एंगल किस पर है, बी पर है। एफ बी ऑफ नेक्स्ट क्या होगा, बी सी, जो कि हमें दिया नहीं है वही निकालना हमें कितना होगा, और बी बी ऑफ नेक्स्ट प्रीवियस लाइन किसकी, दैट इज़ ए बी का, तो बी बी ऑफ प्रीवियस हमें पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्टली मैं निकालूँ अगर एफ बी ऑफ नेक्स्ट लाइन इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इंक्लूडेड एंगल दैट इज़ एंगल बी पॉजिटिव ऑफ बैकवर्ड बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन इक्वल्स टू नथिंग बट एफ बी ऑफ बी सी। डन, अब देखो एंगल बी मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ वैल्यू, अब मुझे बैकवर्ड बियरिंग नहीं दे रखी क्वेश्चन में, प्रीवियस लाइन की बैकवर्ड, दैट इज ए बी की मुझे बैकवर्ड बियरिंग नहीं दे रखी, बैकवर्ड बियरिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, इंक्लूडेड एंगल बी प्लस, अब बैकवर्ड बियरिंग देखो हमें पता है बैकवर्ड बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग का रिलेशन क्या, अगर फॉरवर्ड बियरिंग दे रखी हो, बैकवर्ड बियरिंग निकालनी हो और फॉरवर्ड बियरिंग 180 डिग्री से लेस देन है, तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री एडिशन करते हैं, बट अगर वही फॉरवर्ड बियरिंग हमारी 180 डिग्री से ग्रेटर देन होगी तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू फाइंड द बैकवर्ड बियरिंग ऑफ दैट लाइन। ओके, तो हम अभी क्या लिख सकते हैं, हमें अभी क्वेश्चन में दे रखा है, हमें अभी क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी कितना 162, फॉरवर्ड बियरिंग ए बी की दे रखी है मुझे 162, तो बैकवर्ड बियरिंग कैसे निकाल लूँगा, बैकवर्ड बियरिंग 162 डिग्रीज 30 मिनट प्लस का 180 डिग्री, ये मेरे को कुछ बैकवर्ड बियरिंग देगा, ठीक है, कितनी देगा, ये मुझे देगा 3
42 degrees and 30 minutes। ये मुझे आगे बैकवर्ड बेयरिंग। अब मुझे पता है इंक्लूडेड एंगल, फॉरवर्ड बेयरिंग मुझे नेक्स्ट लाइन का निकालना है, तो इंक्लूडेड एंगल मुझे दे रखा है कितना, 115 degrees 15 minutes। तो इंक्लूडेड एंगल में से मैं बैकवर्ड बेयरिंग माइनस कर प्लस कर देता हूँ, दैट इज 115 degrees 15 minutes प्लस बैकवर्ड बेयरिंग मेरे पास कितनी आई थी, 342 degrees and 30 minutes इक्वल्स टू एफ बी ऑफ नेक्स्ट लाइन विच इज बी सी। ये इसको एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 115, ये आ जाएगा 457 degrees and 45 minutes। अब देखिए ये जो एंगल है ये आ गया 360 से बड़ा। अब जब हमें पता है 360 से बड़ा अगर एंगल आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस 360 degrees। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस 360 डिग्री अगर कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 97 degrees 45 minutes। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। डन। अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम हो रही हो तो मैंने जो जो बोला है वो थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस करके देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक साइड टेकन ऑन अ बेंचमार्क वाज 3.415, द फोर साइड टेकन ऑन द नेक्स्ट पॉइंट ए वाज 2.125 meters, द आरएल ऑफ पॉइंट ए विल बी, अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चन इट इज। तो देखो कोई ट्रैवर्स कोई लेवलिंग की गई है किस पर, एक मुझे बेंचमार्क है उसका मुझे रिड्यूस लेवल पता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कोई एक ऐसा लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टेशन है, ये मेरा बेंचमार्क है, ठीक है। बेंचमार्क का मुझे आरएल दे रखा है कितना, 500 meters, ठीक है, 500 meters। डन। और इस पर मुझे बैक साइड मुझे मिली कितनी, दैट इज 3.415 विच इज 3.415। डन। तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया मेरे पास 500 प्लस 3.415, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यही तो होगा ना मेरा, ठीक है। तो वो कितना होगा, 500 3.415, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दूसरे साइड पर क्या था, ये मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है, नोट डाउन कर लें। अब मैंने जब दूसरी साइड देखा तो मेरे को फोर साइड मिली, फोर साइड कितनी मिली, 2.125, ठीक है। फोर साइड क्या मिल रही है मुझे, कम मिल रही है बैक साइड से, दैट इज मेरा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ये, ठीक है, सॉरी ये कुछ ऐसे जा रही है लेवलिंग, तभी तो स्टाफ रेटिंग कम आएगी, ऑब्वियस ही बात है। बैक साइड अगर 3.14 कर रहा था तो सामने अगर मैं देख रहा हूँ उसके तो 2.125 दिख रहा है मुझे, 2.125, तभी तो मेरे पास कम आएगा ये, समझ आया है, क्लियर है, ठीक है। तब मुझे ये पता है कि इसकी हाइट मुझे पता है, ये हाइट मुझे पता है, इस हाइट में से अगर मैं ये हाइट माइनस कर दूं, ये हाइट माइनस कर दूं, तो मुझे चाहिए क्या, आरएल चाहिए, ये मिल जाएगा मुझे, दैट इज दिस माइनस दिस कर दूं तो मुझे आरएल मिल जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 3.415 माइनस कर दूँ कितना, फोर साइड कितनी मिली है, 2.125 इक्वल्स टू 501.290। इसका देखो फॉर्मूला कोई नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला बच्चे रट लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सी टेक्निक है जो हम लेवलिंग में यूज़ करते हैं, कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को, ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 501.290। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ रोड एक्चुअली 200 एंड
2600 मीटर लॉन्ग वॉज फाउंड टू बी 2580 मीटर व्हेन मेजर्ड विद अ डिफेक्टिव 30 मीटर चेन, द करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर द चेन विल बी. ठीक है. अब देखो इसका भी वैसे तो फॉर्मूला कोई नहीं है, कर सकते हैं हम अपने आप, ये सिंपल एप्टीट्यूड है, कुछ भी नहीं है. ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई ट्रू लेंथ इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई मेजर्ड लेंथ. ट्रू वैल्यू मुझे निकाल लेता हूँ पहले. ट्रू लेंथ मुझे दे रखी है कितनी, 2600. ठीक है. मेजर्ड वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2580 मल्टीप्लाई मेजर्ड लेंथ कितनी है चेन की, कितनी 30 मीटर चेन है, डिवाइडेड बाय कर दूँ कितना, ट्रू लेंथ दैट इज़ ट्रू लेंथ. ठीक है, इसको मैं लेके डिवाइड में 2600. तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास निकल के आएगा, एक सेकेंड, 2580 30 29.76. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए वैसे तो एनफ टाइम होता है, बट स्टिल थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, तो जिसकी कैलकुलेशन तेज़ है वो कर लेता है. ठीक है, ये निकल के आएगा मेरे पास 29.76 मीटर. क्या है, ट्रू वैल्यू है मेरी चेन की, बट मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 30 मीटर, जिससे मैंने मेजर करा है वो 30 मीटर है. तो अब वो पूछ क्या रहा है कि करेक्शन रिक्वायर्ड, करेक्शन कितनी रिक्वायर्ड है चेन के अंदर. ठीक है, करेक्शन रिक्वायर्ड, करेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, करेक्शन का फॉर्मूला होता है ट्रू लेंथ माइनस मेजर्ड लेंथ. ठीक है, ट्रू लेंथ कह लो या ट्रू वैल्यू कह लो, एक ही बात है. ठीक है, तो अगर मैं ट्रू लेंथ दैट इज़ 29.76 माइनस मेजर्ड कितनी है 30 कर दूँ तो कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ 23, किसका, नेगेटिव का, करेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन सेवरल कंटूर लाइन कोइंसाइड दे इंडिकेट्स ए रिज बी वैली सी वर्टिकल क्लिफ और डी ओवरहैंगिंग क्लिफ. बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगेन इसका सिंपल सा आंसर है वर्टिकल क्लिफ होगा. ठीक है, बट अगर कंटूर लाइन क्या करती हैं, क्रॉस ईच अदर करेंगी, एक्सेप्शन होता है ये, तो वो होगा ओवरहैंगिंग क्लिफ. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर्मूला बेस्ड. फॉर एन एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज 2 days, पैसिमिस्टिक टाइम इज 8 days एंड मोस्ट लाइकली टाइम इज 5 days. द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कम्प्लीशन ऑफ दैट एक्टिविटी बाई यूजिंग पर्ट विल बी. ठीक है, पर्ट के थ्रू हमें निकालना है कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा. तो एक्सपेक्टेड टाइम का हमें फॉर्मूला पता है क्या, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पैसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 times ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाई 6. कुछ नहीं करना, वैल्यू डालनी है, सिंपल आंसर निकालना. ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमें दे रखा है कितना, 2 days. पैसिमिस्टिक टाइम हमें दे रखा है कितना, 8 days. और मोस्ट लाइकली टाइम हमें दे रखा है कितना, 5 days डिवाइडेड बाई 60 विच इज़ नथिंग बट 30/6 विच इज़ 5 days. 30/6 इक्वल्स टू 5. डन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 days. नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म यूज फॉर अमाउंट विच इज़ यूज टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर सो दैट ही कुड मेक प्रिटी पेमेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड नेचर वाइल एक्सिक्यूटिंग वर्क अंडर हिज चार्जेस, ए कैश, बी एडवांस, सी इम्प्रेस्ड और डी क्रेडिट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इम्प्रेस्ड अमाउंट. 24th is the full form of TQM in context of basics of management is A. total technical quantity management, B. technical quality management, C. total quantity management or D is total quality management. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, total quality management. The development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs is known as, again easy question, sustainable development. The most appropriate technical term used for building that uses sun's energy for heating and cooling of living spaces is called B. solar passive buildings. उनको हम solar passive buildings कहते हैं. Done. Next is a stair having its bottom flight wide which is divided into 2 narrow flights at the landing
एट राइट एंगल टू द ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड बायफरकेटिंग स्टेयर। इसका देखो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ये कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा आपने, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेयर होती है, ये क्या होती है, ग्राउंड से तो ऐसे आती है, फिर बीच में एक लाइक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में एक लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, और फिर ऊपर जाने के लिए दो हम डिवाइड कर देते हैं जाने का रास्ता, ठीक है। इसको हम कहते हैं बाइफरकेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लेंथ ऑफ ए ब्रिक विल कैन नॉट बी बिल्ट एट ए टाइम, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग बैक ईच सक्सेसिव कोर्स ऑफ दिस वॉल इज नोन एज ए टूथिंग, बी रेकिंग बैक, सी ब्लॉकिंग जॉइंट और जी जॉइंट सेटिंग, ठीक है। टूथिंग तो देखो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ब्रिक के अंदर, ठीक है, फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हमें मान लो इधर से या तो ब्रिक वॉल को हमें किसी और डायरेक्शन के अंदर मोड़ना है तो हम टूथिंग प्रोवाइड कर देते हैं, या कुछ टाइम बाद हमें फर्दर कंस्ट्रक्शन करना है या एक और रूम बनाना है तो हम इस तरीके से टूथिंग कर देते हैं। बट इसने पूछा है कॉन्टिन्यूएशन प्रोवाइड करने के लिए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, रेकिंग बैक देखो कुछ इस तरीके से करते हैं, रेकिंग बैक जो हम ब्रिक का करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले दिन जब काम होगा तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, अगेन यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर अगेन 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 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो काम होता है उसको कहते हैं हम रेकिंग बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कैफोल्डिंग इन विच टू रोज ऑफ स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड इज नोन एज ए ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, बी डबल स्कैफोल्डिंग और सी मेसन्स स्कैफोल्डिंग, डन। तो और डी इज बोथ ए एंड ए बोथ बी एंड सी, जिसके अंदर टू रोज ऑफ स्ट्रैंड, ये इंपॉर्टेंट है क्या, टू रोज ऑफ स्ट्रैंड्स आर प्रोवाइडेड, तो ये हमारा होता है डबल और मेसन दोनों, दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसका डायग्राम देख लो कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारी मान लो वॉल है, ठीक है, या कोई सी भी एक्स वाई जेड कुछ भी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से और ये कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, डन। ये कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि वर्क हो सके, डन। अब देखो डबल्स टू रोज ऑफ स्ट्रैंड्स क्या है, इनको कहते हैं स्ट्रैंड्स, डन। नेक्स्ट देख लो, अ स्लोपिंग रूफ हैविंग स्लोप इन फोर डायरेक्शन विद अ ब्रेक इन द स्लोप इज नोन एज ए ब्रेक रूफ, बी मेंसर्ड रूफ, सी गैब्रियल रूफ और डी हॉप्ड रूफ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी मेंसर्ड रूफ। मेंसर्ड रूफ क्वाइट सिमिलर होते हैं किसके, हिप रूफ के। हिप रूफ कैसे होती हैं, उसका बनाने की कोशिश करता हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। वो कुछ इस तरीके की होती है हिप रूफ, उसमें क्या होता है, स्लोप क्या होता है, चारों डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे भी स्लोप जैसा ये आगे है वैसे ही पीछे भी है, ठीक है, चारों साइड में क्या होगा, स्लोप आ रहा होगा। बट इसने क्या बोला है, इसने बोला है क्या कि विद ए ब्रेक इन स्लोप, ब्रेक इन स्लोप का मतलब क्या है। अब देखो जो हिप रूफ थी ऊपर से तो ये पूरी हिप रूफ रहेगी, डन, ये पूरी हिप रूफ रहेगी, यहाँ तक कुछ आई, बट इसके बाद एक और स्लोप होगा यहाँ पे ऐसे करके एक और स्लोप बनेगा, ठीक है। इस ये कुछ थोड़ा ज़्यादा सीधा हो गया, एक स्लोप चेंज होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक स्लोप चेंज होगा, गूगल करना आपको मिल जाएगी इसकी इमेज, ठीक है, एक स्लोप चेंज होगा थोड़ा सा, उसको कहेंगे मेंसर्ड रूफ। और एक होती है गैम्ब्रियल रूफ, उसमें स्लोप हर डायरेक्शन पे चेंज हो, हर हर
लेंथ पर चेंज होता रहता है, वो कुछ इस तरीके से होती है। गैम्ब्रल रूफ अगर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होती है। डन, ये ऐसे होगी, सेम पीछे, ठीक है, इस तरीके से होती है गैम्ब्रल रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल फॉर्मिंग अ रेल ट्रैक इज नोन एज ए सी गेज, डिस्टेंस कहते हैं उसको। देन अ होल ऑफ कंसिडरेबल साइज ड्रिवन इन द फेस ऑफ प्रपोज टनल इज कॉल्ड ए टनल, बी शाफ्ट, सी आदित्य और डी ड्रिफ्ट, ठीक है, तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। शाफ्ट, देखो शाफ्ट होता है, अगर ये टनल है इसके वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम कोई एक नैरो पैसेज बनाते हैं अंदर जाने के लिए फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, उसको कहते हैं शाफ्ट। डन, नेक्स्ट देखते हैं। An important property which an earthquake resistant construction must possess in A flexibility, B ductility, C brittleness or D is all of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ductility, ठीक है।